गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम याशिका। आज की न्यू वीडियो लेकर आ चुके। इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है ये वाला मेकअप लुक। काफी अच्छा लुक लग रहा है मुझे ये। इसमें मैंने न्यूड से थोड़े लिप्स रखे हैं और एकदम हैवी बोल्ड सी मैंने आईज रखी है। इसमें ग्लिटर वगैरह सब यूज किया है। हाफ कट क्रीज करना सिखाई है मैंने इसके अंदर। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करके जाइए। सबसे पहले हम करेंगे स्किन को प्रैप। स्किन को प्रैप करने के लिए मैं सबसे पहले मैंने मेरा फेस वॉश कर लिया है। इसके बाद मैं यूज कर रही हूँ गुड वाइब्स का ग्लो टोनर जो कि पोमेग्रेनेट वाला है। वो मैं उसको यूज़ कर लूँगी। टोनर से आपके जो पोर्स होते हैं वो मिनिमाइज होते हैं और आपके स्किन का जो पीएच बैलेंस होता है वो बैलेंस में रहता है। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ एल्प गुडनेस का सैफ्रन ग्लो सीरम। काफ़ी अच्छे वाला सीरम है। अपने फेस पे इसको डैप डैप करके यूज़ कर लूँगी। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ पॉन्ड्स की सुपर अल्ट्रा लाइट जेल। काफ़ी अच्छे वाली मॉइस्चराइजिंग क्रीम है ये, जेल है और बहुत अच्छे से आपको स्किन को अंदर तक हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है और आपके स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज भी करता है। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का ब्लर परफेक्ट वाला प्राइमर। काफ़ी अच्छे वाला प्राइमर है ये। आपके पोर्स जो होते हैं एकदम ब्लर कर देता है, एकदम हाइड कर देता है अच्छे से। मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन की मास्टर क्रोम स्ट्रोबिंग क्रीम। काफ़ी अच्छे वाली क्रीम है। स्ट्रोबिंग क्रीम जैसे मैक की स्ट्रोबिंग क्रीम है वैसी ही है ये भी। काफ़ी अच्छे से इसके अंदर पार्टिकल्स और चंकी पार्टिकल्स बहुत कम है तो मैं एकदम अपने हाई पॉइंट्स पे इसको अप्लाई कर लूँगी। ड्यू इफेक्ट भी देता है ये, आपके बेस को अच्छा बनाता है, एकदम ड्यूई सा लुक देता है आपके मेकअप के अंदर। अब मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे ऑरेंज करेक्टर जो कि मैंने क्रायलॉन की डर्मा बेस पैलेट में से लिया है। अपने जहाँ जहाँ पे डार्क स्पॉट्स वगैरह पर मैं इसको अप्लाई कर लूँगी। अब मैं इसको डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। आपको पैच नहीं छोड़ना है, ब्लेंडिंग आपको बहुत अच्छे से करनी है। आपके कलर करेक्टर हो या फाउंडेशन हो, कुछ भी हो, कंसीलर हो। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेबिलिन फिट मी का फाउंडेशन। काफ़ी अच्छे वाला फाउंडेशन है ये। ऑयली स्किन के लिए एकदम बेस्ट फाउंडेशन है। यहाँ पे मैं नॉर्मल टू ड्राई पे हूँ बट ये मेरी स्किन पे भी काफ़ी अच्छे से चले जाता है। बस आपको आपकी स्किन जो प्रैप करनी है वो काफ़ी अच्छे से करनी है। अब मैं इसको भी डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। काफ़ी अच्छी तरह ईजिली ब्लेंड हो जाता है। आपको डैप डैप करना है, ड्रैग नहीं करना आपके फाउंडेशन को। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ डर्मा बेस पैलेट के अंदर से ही हाईलाइटिंग कंसीलर जो कि मैं अपनी अंडर आइज पे अपने हाई पॉइंट्स पे प्लेस कर लूँगी। उसके बाद मैं कॉन्टोर के लिए यूज़ कर रही हूँ NYBA की कॉन्टोर स्टिक। काफ़ी अच्छी वाली कॉन्टोर स्टिक है ये। अब मैं अपने चीक्स पे और जॉ लाइन पे इसको और फोरहेड पे भी कॉन्टोर के लिए अप्लाई कर लूँगी। अब मैं हाइलाइटिंग और कॉन्टोरिंग को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। हाइलाइटिंग को मैं एक पॉइंटेड साइड से इसको ब्लेंड कर लूँगी स्पॉन्ज के पॉइंटेड साइड से और किसी दूसरी साइड से मैं कॉन्टोर ब्लेंड कर लूँगी। आपको याद रखना है कि आपने कौन सी साइड से क्या क्या ब्लेंड किया है, नहीं तो सब कुछ मिक्स हो जाएगा और वो फेड होने लग जाएगा वहाँ से। इसलिए ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद मैं मेरे बेस को सेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ NYBA का कॉम्पैक्ट पाउडर जो कि SPF 40 के साथ आपको मिल जाता है। काफ़ी अच्छे वाला कॉम्पैक्ट पाउडर है ये। सिर्फ मैं जहाँ जहाँ पे मैंने हाइलाइटिंग करी है वहीं पे मैं इसको लगाऊंगी क्योंकि मैं हूँ नॉर्मल टू ड्राई स्किन पे, इसलिए मैं ज़्यादा पाउडरी सा इफेक्ट नहीं करूँगी, ज़्यादा मैटिफाइन नहीं करूँगी अपने बेस को। यहाँ पे मैं कर रही हूँ कॉन्टोरिंग। कॉन्टोरिंग के लिए मैंने यूज़ करी है सिवाना स्टूडियो की कलर ब्लश चीक पैलेट जो कि काफ़ी अच्छी वाली पैलेट है। इसके अंदर आपको कॉन्टोरिंग शेड भी मिल जाता है और ब्लश शेड भी मिल जाता है। चीक की कॉन्टोरिंग में अपवर्ड्स करूँगी और जॉ लाइन की कॉन्टोरिंग में डाउनवर्ड्स करूँगी। इसके बाद मैं इसी वाले एंगल्ड ब्रश की हेल्प से ही अपने नोज़ को भी कॉन्टोर कर लूँगी और अपने फोरहेड को भी कॉन्टोर कर लूँगी अच्छे से। ब्लश के लिए मैंने सेम सिवाना की ही ब्लश पैलेट यूज़ करी है। दोनों शेड्स को मिक्स करके मैं ब्लश अप्लाई कर लूँगी अच्छे से, एकदम ब्लेंडेड वे में मैं ब्लश को अप्लाई करूँगी। इसके बाद मैं अपनी आईब्रोज को फिल करूँगी। पहले मैं स्पूली से अपने हेयर्स को सेट कर लूँगी, उसके बाद मैं इसको फिल करना स्टार्ट करूँगी। यहाँ पे आईब्रोज के लिए मैंने यूज़ की है वेट एंड वाइल्ड की आईब्रो किट। काफ़ी अच्छे वाली आईब्रो किट है ये। Thank you.
अब मैं स्टार्ट करूंगी मेरा आई मेकअप, तो मैं आई मेकअप में ग्लिटर भी यूज़ करूंगी, इसलिए मैं पहले ही कॉम्पैक्ट को अपनी अंडर आईज पे प्लेस कर रही हूँ जिससे ग्लिटर चिपके ना। अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ब्यूटी ग्लेसी कलर बोर्ड पैलेट, काफ़ी अच्छे वाली पैलेट है। इसके अंदर आपको 4 बोर्ड्स मिल जाते हैं अलग अलग शेड से, सारे शेड मिल जाएंगे अलग अलग शेड्स के, ऐसे पर्पल की एक अलग पैलेट है, ग्रीन का एक अलग बोर्ड है, ऐसे करके। यहाँ पे मैंने रेड वाली बोर्ड के अंदर से ब्राउन न्यूड सा शेड लिया है जिससे मैं अपनी क्रीज को बना रही हूँ अच्छे से। रेड वे के अंदर मैं इसको ब्लेंड करती रहूँगी क्रीज के ऊपर इस कलर को, और इसके बाद मैं इसको इंटेंस करूँगी अच्छे से। मैं थोड़ा और डार्क ब्राउन सा शेड लेके क्रीज को और इंटेंस करूंगी और अच्छे से डेप्थ क्रिएट करूंगी क्रीज के अंदर, क्योंकि यहाँ पे मैं आज करने वाली हूँ हाफ कट क्रीज आई लुक। तो जितना आपकी कट क्रीज के अंदर डेप्थ होगी, इंटेंस होगी, वो और अच्छे से उभर कर दिखेगी, इसलिए मैं इसको डार्क ब्राउन कलर से और इंटेंस कर रही हूँ और अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। ब्रश को आप थोड़ा पीछे से ही पकड़े, उससे आपकी ब्लेंडिंग जो है काफ़ी स्मूथ होती है, एक जगह प्लेस नहीं रहती। इसके बाद मैं यहाँ पे दूसरी ब्रश की हेल्प से एक पर्पल ही सा शेड अपनी आउटर वी पे प्लेस कर रही हूँ और क्रीज के अंदर तक ब्लेंड कर रही हूँ। यहाँ पे मैं अपनी क्रीज को कट करूंगी। क्रीज को कट करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ एनवाई बे का कंसीलर, और मैं इसी के एप्लीकेटर को यूज करूंगी। इससे एकदम अच्छे से और एकदम क्लीन तरीके से आपकी जो क्रीज है ना वो कट हो जाती है। आप देख सकते हो यहाँ पे कितना क्लीन लुक आ रहा है कट क्रीज का, तो आप भी इसको यूज कर सकते हैं, काफी अच्छे वाला कंसीलर है। इसके बाद मैं यहाँ पे ब्यूटी ग्लेज की उसी कलर बोर्ड पैलेट में से एक शिमरी सा शेड अप्लाई कर रही हूँ पहले, क्योंकि मुझे इसके ऊपर ग्लिटर प्लेस करना है। तो सबसे पहले मैं इनर वी के अंदर यहाँ पे एक सिल्वरी गोल्डन सा जो ग्लिटर है वो अप्लाई करूंगी। मैं जो ग्लिटर है वो ब्रश की हेल्प से ही लगा रही हूँ, उसके जो प्रेस्ड ग्लिटर है काफ़ी अच्छा है, आप इसको बिना ग्लू के भी पेस्ट कर सकते हो। इनर व्यू में मैंने थोड़ा सिल्वर गोल्डन सा लिया है, और जो मिड पार्ट है वहाँ पे मैंने रेड गोल्डन सा शेड लिया है। अब मैंने जो भी अंडर आई पे से पाउडर लगाया था उसको मैं डस्ट ऑफ कर लूँगी। इसके बाद मैं अपनी लोअर लैश लाइन को कम्प्लीट करूँगी पर्पल कलर के शेड से, उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। इसके बाद यहाँ पे मैं लगा रही हूँ व्हाइट काजल, काफ़ी अच्छा लुक आता है व्हाइट काजल से। अगर आपकी आईज छोटी है कि आईज है वो बड़ी दिखेंगी, इसलिए यहाँ पे मैंने अप्लाई किया है। मेरी आईज सही साइज़ में, एकदम बड़ी भी नहीं है एकदम छोटी भी नहीं है, फिर भी मैंने इसको अप्लाई किया कि मुझे लुक अच्छा लगता है ऐसे। इसके बाद मैं अपनी लैशेज़ को कर्ल करने के लिए आई लैश कर्लर यूज़ कर रही हूँ, ज़रूर यूज़ कीजिए आप भी, इससे आपकी आईज कि जो लैशेज़ है वो कर्व नज़र आती है। मैं मस्कारा का सिंगल सिंगल कोट ले लूँगी अपनी आई लैशेज़ के ऊपर, क्योंकि मैं फॉल्सेस लगाने वाली हूँ, इसलिए मैं सिंगल सिंगल कोट ही लगा रही हूँ आई लैशेस पे। अब मैं यहाँ पे लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ, काफ़ी मोटा लाइनर ड्रॉ नहीं कर रही, थोड़ा पतला ही ड्रॉ कर रही हूँ, बट मैंने यहाँ पे विंग निकाली है, काफ़ी अच्छी तरीके से विंग को ड्रॉ किया है मैंने। अब मैं यहाँ पे मेबलिन का मास्टर क्रोम वाला हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, इसके अंदर मेरा शेड है रोज़ गोल्ड। अब मैं इसको अपने हाई पॉइंट्स पे अप्लाई कर लूँगी, एकदम ब्लेंडेड वे में मैं इसको अप्लाई करूँगी जिससे वो अच्छे से पॉप आउट होके दिखे मेरे फेस पे मेरे हाई पॉइंट्स। अब मैं अपने लिप्स को लाइन कर लूँगी जहाँ पे मैंने यूज़ करी है वेट एंड वाइल्ड की लिप लाइनर, काफ़ी अच्छे वाला लिप लाइनर है। इसके अंदर इसका शेड जो है वो थोड़ा वाइन और ब्राउन के उसमें आता है, मतलब ब्राउन अंडर टोन में आता है, क्योंकि मुझे ब्राउन न्यूड लगानी थी इसलिए मैंने ये लगाई है। अब यहाँ पर मैं ब्राउन कलर की लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ, लिक्विड लिपस्टिक, ये थोड़ी मुझे डार्क लग रही थी इसलिए मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा कंसीलर अप्लाई किया जिससे ये थोड़ी सी लाइट हो जाए और थोड़ा ऑम्ब्रे सा लुक देने लग जाए, तो काफ़ी अच्छे तरीके से लाइट भी हो गई थी और ऑम्ब्रे सा इफेक्ट भी देने लग गई थी। इसके बाद मैं अपने इनर कॉर्नर्स के अंदर यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी की लिक्विड आई शेडो, काफ़ी अच्छी वाली लिक्विड आई शेडो है ये, मैं अपने इनर कॉर्नर्स पे लगा लूँगी। अब यहाँ पे मेरा लुक हो चुका है एकदम कंप्लीट, होप यू लाइक्ड इट।
सो आई होप गाइज आप लोगों को ये मेकअप लुक काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलती हूँ मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।